हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पीबा फेवरेट्स पास्ता एंड पिज्जा सॉस की रिव्यू शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसके साथ मैं आपको पिज्जा बनाकर भी दिखाऊंगी। तो जिसकी नेट क्वांटिटी है वो 280 ग्राम की है और जो उसकी एमआरपी है वो 75 रुपीस की है। बहुत ही कम प्राइस में हमें ये मिल जाता है। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे, केक वाले शॉप पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो इसमें प्रोडक्ट डाले गए हैं वो बिल्कुल वेज प्रोडक्ट डाले गए हैं। इसमें आपको टोमाटो पेस्ट, शुगर, अनियन, वाटर, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, आयोडाइज सॉल्ट, स्पाइस भी डाले गए हैं। इसके साथ ही कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिलाए गए हैं जो इसे सेफ रखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक पिज्ज़ा बेस लिया है और इस पिज्ज़ा बेस में मैंने 2 टेबल स्पून ये पास्ता पिज्ज़ा सॉस को मैं फैला रही हूँ। इससे पिज्ज़ा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। मिनटों में पिज्ज़ा बनकर रेडी हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और जब भी मन किया झटपट आप बना भी सकते हैं। घर पर आप ज़रूर ये बीबा का पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस को रखें। जो भी आपके पास अवेलेबल सब्जियां हो उसे भी आप इसी तरह से सजाकर अच्छा से अच्छा एक रेसिपी तैयार कर सकते हैं। पिज्ज़ा बहुत ही मिनटों में बन जाता है। इसमें जो हर्ब्स डाले गए हैं, जो आपको एक्स्ट्रा जो चिली कॉर्नफ्लेक्स डाला जाता है वो आपको नहीं डालना है। और जो भी स्पाइसेस पिज्ज़ा में पड़ती हैं जो बाहर से बहुत ही महंगे होते हैं वो भी इसी पास्ता और पिज्ज़ा सॉस में डाला हुआ है। तो आपको बाहर से इसमें अलग से इसमें कोई भी हर्ब्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे सिर्फ अब मैं इसे बेक कर दूँगी। बेक करने के बाद देखिए कितना प्यारा बना है। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो और बीबा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस की रिव्यू पसंद आई हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।